जिलाधिकारी रीना जोशी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त समस्याओं का तत्काल निदान करें। राजकीय इंटर कॉलेज बाजीरोड में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि शिविर में जो भी समस्या ग्रामीणों द्वारा उठाई जा रही है उसका तत्काल समाधान करना सुनिश्चित करें। शिविर में जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव ने कहा कि सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत गांव में शिविर लगाए जा रहे हैं ताकि ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही निदान किया जा सके। शिविर में 61 शिकायतें पंजीकृत की गई जिसमें से अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। विभागीय अधिकारियों ने सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को प्रदान की। शिविर में ब्लॉक प्रमुख पुष्पा देवी, जिला पंचायत सदस्य पूजा आर्या, CDO संजय सिंह, जिला विकास अधिकारी संगीता आर्या आदि विभागीय अधिकारी मौजूद थे। मेरे पास जमीन भी नहीं है, मकान भी नहीं है और मेरे बच्चे मेरे को देखते भी नहीं है और बहुत दुखी हूँ मैं और इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ, तभी आपसे बात करी। और कोई देने वाला है कि नहीं है, गरीबों को कोई देखता नहीं है, न काम मिलता है, न गौशाला मिला, न काम मिलता है, कुछ नहीं मिलता है गरीबों को, गरीबों के लिए कुछ नहीं है। और गरीबों को घर घर जाके चेकिंग करते तब कौन गरीब है कौन अमीर है करके सोचते ना, ये तो ऐसा करते नहीं है। ये वर्करों को भेज देते हैं, वो लोग बोलते हैं सब ठीक है, सबके ठीक है, ऐसे बोल देते हैं। अब अपना कितना बार विकास भवन गई, ब्लॉक गई, तहसील गई, 10 साल से मकान आया हुआ, पता नहीं कहाँ मकान गया, ये वो देते नहीं है। जब घर में आते देखते समस्या तभी तो देते, घर तो आते नहीं है कोई सरकार के आदमी, और गरीबों का कोई है भी नहीं। राशन ऐसा कह रहा था तेरे लड़के 2 आर्मी में हैं और इसके 2 बच्चे इंस्पेक्टर से, अभी कहा मैंने तो वो ऐसे ही बोल रहा था, ऐसा बोल रहा था, मैंने बोला अंगूठा लगा लिया, ऑनलाइन कर दिया और राशन तुम दे नहीं रहे हो, अगले महीने मिलेगा राशन, तेरे बच्चे 2 आर्मी में हैं, इसके बच्चे 2 आर्मी में हैं, इसको बोल रहा था ये ब्लॉक जो वो है क्या बोलते हैं इंस्पेक्टर से, नहीं तो नौकरी में कहाँ है, पेट पाले बर्तन धो के अपने पेट पाले, मेरे को तो देते नहीं है, वो देखते ही नहीं है, फोन भी नहीं करते, एक का तो लपता है वो फोन ही नहीं करता, पता नहीं कहाँ है वो, 2 है तो वो भी घर नहीं आते हैं, 4 साल हो गया उनको घर नहीं आया हुआ, घर में कुछ होता तभी तो आते हैं, घर नहीं है रहने के लिए, जमीन नहीं है कमाने के लिए हैं, और कहीं काम नहीं मिलता है। अब ये 2 दाने चावल के मिलते हैं गेहूँ के, उसके साथ क्या नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए, जमीन नहीं है तो साग सब्जी भी किस में लगाऊँ बिना जमीन वाला, गरीबों का कोई है भी नहीं, गरीबों को तो कोई चाहता ही नहीं है, इतना काम आता है यहाँ पर, सारे पैसे अपने खा जाते हैं, अपने करते हैं वो लोग और नहीं देते हैं काम। आज राजकीय इंटर कॉलेज बाजीरोड सिंहपुरा में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जहाँ 17 डिपार्टमेंट ने अपने अपने स्टॉल लगाए हैं, जहाँ पर यहाँ के क्षेत्र की जनता ने स्टॉल पर आकर विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त की है। टोटल हमें शिविर के दौरान 61 शिकायतें मिली हैं जिसकी हम लोग त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।